A very good morning to you all students. First, I welcome to you all in our EVS class. Students, in this class we were doing the exercises of this chapter number 7, Indian culture and tradition. Clear everyone? Students, today we will also do some rest exercises of this chapter. Okay bachcho, aaj hum kuch bachi hui exercises is chapter ki complete karenge. Clear? Our first exercise is answer the following questions. बच्चो, आज की हमारी exercise है answer the following questions. ठीक है? Students, now open your book and see page number 57. Our first question is write 10 sentences about a festival you celebrate. Second question is name the holy book of the Sikh. What is the Akhand part? Okay? Students, we have done these two questions. Students, हम लोगों ने इन टू क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था, सो दैट्स व्हाई वी विल डू आवर सेकंड सॉरी थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, आवर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर फोक डांसेस डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल डांसेस. बच्चों, किस तरह से फोक डांसेस क्लासिकल डांसेस से अलग हैं? ठीक है, सो आवर इट्स आंसर इज फोक डांसेस आर परफॉर्मड ऑन स्टेज बट in olden days classical dances were performed on a special occasion. Bachcho, folk dances stage par perform kiye jate hain, lekin olden days yani ki purane samay mein classical dances special occasion pe perform kiye jate the. Clear everyone? Our next question is when is Eid al-Fitr celebrated? Eid al-Fitr kab manaya jata hai? So its answer is Eid al-Fitr is celebrated on the first day of Shawwal. बच्चो, Eid al-Fitr Shawwal के first day पर मनाया जाता है. Now what is Shawwal? The 10th month of the Islamic calendar is called Shawwal. Okay? बच्चो, Islamic calendar का जो 10वां महीना है वो क्या कहलाता है? Shawwal. Clear? Marking the end of the holy month Ramadan. बच्चों, रमजान के पवित्र महीने के अंत में और शवाल के फर्स्ट डे क्या सेलिब्रेट किया जाता है? यस, ईद अल फितर. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज एंड सी पेज नंबर 58. आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डिस्कस द रीजंस फॉर द फॉलोइंग. बच्चों, यहाँ पर टू स्टेटमेंट्स हैं जिसका रीजन यानी कि कारण आपको बताना है. क्लियर? Our first statement is we celebrate different festivals. हम विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं, क्यों? Clear? So its answer is we celebrate different festivals because festivals bring joy and happiness in our life. Okay? बच्चों, हम विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं क्योंकि फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार ब्रिंग का मीन्स होता है बच्चों लाना, जॉय इट मीन्स हर्ष, हैप्पीनेस इट मीन्स आनंद, लाइफ इट मीन्स जीवन. ठीक है, तो हम विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में खुशियां और हर्ष लेकर आते हैं. क्लियर एवरीवन? अगर बच्चों हम फेस्टिवल्स ना सेलिब्रेट करें तो लाइफ क्या हो जाएगी? बिल्कुल फीकी हो जाएगी. हमारे लाइफ में सिर्फ डेली वाले रूटीन हो जाएंगे. जिस तरह से हम डेली वर्क करते हैं, अपने वर्क को करना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, लेकिन फेस्टिवल्स क्या है? फेस्टिवल में हम लोग कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं. सपोज दिवाली में हम लोग दिए सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, ठीक है, रंगोलीज बनाते हैं. तो ये सब हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या लाते हैं? हर्ष और आनंद लाते हैं. इन्हें करने में हमें खुशी प्राप्त होती है. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. ठीक है, इसलिए हम त्योहारों को मनाते हैं. क्लियर एवरीवन? आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. भारत को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों की भूमि कहा जाता है, क्यों? सो इट्स आंसर इज इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बिकॉज In India, we celebrate different types of festivals time to time. बच्चों, भारत को land of festivals यानि
होली की त्योहारों की भूमि कहा जाता है क्योंकि भारत में हम टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर अनेक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर बच्चों, कोई भी मंथ ऐसा नहीं जाता है जब हम कोई भी फेस्टिवल ना सेलिब्रेट करें। ओके, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल हो या हार्वेस्ट फेस्टिवल हो या तो रिलीजियस फेस्टिवल हो, हम कोई ना कोई फेस्टिवल हर मंथ सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इसलिए बच्चों भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। योर होमवर्क इज मेक अ न्यू ईयर कार्ड फॉर योर फ्रेंड। बच्चों आपको अपने होमवर्क में अपने फ्रेंड के लिए एक न्यू ईयर कार्ड बनाना है। और स्टूडेंट्स आपको ये न्यू ईयर कार्ड क्रिएटिव तरीके से बनाना है, ठीक है? जैसे कि वेस्ट मटेरियल्स का आप इसमें यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज नो क्लास वर्क फॉर टुडे। आज के लिए कोई भी आपका क्लास वर्क नहीं है। जो भी मैंने यहाँ बोर्ड पर राइट कराया था उसे सिर्फ आपको रीड करना है और अपने डाउट को क्लियर करना है। क्लियर एवरीवन, दैट्स ऑल, थैंक यू।